अस्सलाम वालेकुम गाइस, और कैसे हो यार गाइस तुम सब लोग। तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों को याद ही होगा कि हम लोग जो है उस बंदे जिसने हम पर अटैक कराया था उसकी हम दुकान पर गए थे, ज्वेलरी शॉप पे, और हमने थोड़ा सा उसकी दुकान का अंदाज़ा लगाया था कि किस तरह के वेंट्स हैं और ये वो, ताकि हमने जो उसकी शॉप पर अटैक करना था वो आसान हो जाए हमारे लिए, हम उसके बंदे बंदे बेहोश कर देंगे ना। वो अभी लेस्टर की मुझे कॉल आई है, तो लेस्टर मुझे जो है कह रहा था कि तुम मेरी तरफ आओ अभी ज़रा। लेस्टर ने यही कहा कि मेरी तरफ आओ और जो है फिर मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, वो तुम लेकर जो है उधर जाना, पुलिस का पीछा करना है हमने। और पुलिस की जो है ना वो गाड़ी नहीं होती है GMC, वो हमने चुरानी है ना पुलिस की। अब पता नहीं कहाँ होगी ये, वो लेस्टर ही ट्रेस करेगा। तो अभी हम लोग जल्दी से लेस्टर के पास ही चलते हैं। ओके गाइस, अभी मैं गाड़ी बताता हूँ, लेस्टर के पास पहुँचने वाला। आप इस दिया थोड़ी सी ज़्यादा ही रेस दे दी, लेकिन कोई नहीं, इसे फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो अभी ये इसका घर, एक तो इसने इतनी घर से महंगी गाड़ी रखी हुई है, घर से कोई 3-4 कीमत ज़्यादा इसकी गाड़ी होगी, लेकिन घर नहीं बदलता है। खैर ये हैकर टाइप बंदा है, इसके लिए यही घर ठीक है। यहाँ किसी को शक नहीं होता ना इतना कि यहाँ होगा इतना बड़ा चोर। खैर अपने बंदे को चोर कह रहे हैं, दफ़ा करो। चलो अभी लेस्टर के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ सामने ग्रीन वाला उसके घर, अभी अंदर ही चल लेते हैं। मेरे ख्याल से ट्रेवर भी शायद इधर ही आया होगा, क्योंकि मैंने सुना था ट्रेवर भी इधर ही आया हुआ है लेस्टर बता रहे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वो देखा ट्रेवर भी इधर। और हाँ क्या हाल है लेस्टर, क्या बात है। तो ओके गाइस, अभी मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है, और लेस्टर कह रहे हैं कि ये घर की बैक साइड पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, तो उस पर तुम जाओ और उस पर ही मैंने जो है मार्कर लगाया हुआ, यानी तुम गाड़ी में बैठोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि कहाँ वो पुलिस की गाड़ी की लोकेशन हो। और ये वाली गाड़ी है, शायद आप लोगों को याद हो ये मेरे पास पहले भी थी, लेकिन फिर मैंने भेज दी थी। तो अभी जल्दी से चलते हैं लेस्टर की दी हुई लोकेशन पर। ओ अभी मैं जो हूँ पहुँचने ही वाला हूँ, और सामने मेरे जो है ये GMC FIB की गाड़ी, यानी ये सामने ही जा रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन पर शूटिंग शुरू कर दूँ या इनको जो है मतलब आराम आराम से पीछा करके एकदम से अटैक कर दूँ। अभी तो ये काफ़ी तेज़ चला रहा है, अभी देखते हैं इशारे पे रुका तो यानी इसे हम पर शक नहीं हुआ, लेकिन अगर इशारे पे ना रुका तो यानी इसे शक हो गया, और इसे शक हो गया अभी तभी इसने नहीं रुका। शूटिंग स्टार्ट, इनका ड्राइवर तो मैंने मार दिया, इसका दूसरा वाला बंदा गाड़ी की तरफ आ रहा है, मैं जल्दी से इसको भी गोली मार देता हूँ जल्दी से। वो देखो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, इसे जल्दी से निकालते हैं गाड़ी से। ये देखो शिट, इसने मेरे मुँह पे था ये। पीछे वाले बंदे भी मार दिए, और अभी जो है गाड़ी पे सायरन लग चुका है, यानी पुलिस मेरे पीछे बोल रही है, जाहिर सी बात है इन पर अटैक हो गया। इसमें से किसी हरामी ने जो है बटन दबा दिया। अभी लेस्टर जो है मुझे साथ साथ ही है मेरे साथ साथ, वो ईयरफोन में है वो, और वो मुझे कह रहा है कि पहले जो है ना ये पुलिस की नज़रों से हटो, फिर जो है मैं तुम्हें बता दूँ क्या करना। तो अभी पुलिस को किसी तरह लूज़ करते हैं, किसी जगह छुपना पड़ेगा, यहाँ से कहीं रास्ता जाता है, यहाँ छुप लेते हैं। तो ये आसपास मुझे पुलिस की गाड़ी दिख रही, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है मेरा, मेरे ख्याल से मैं यहाँ से मुझे गाड़ी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मैं फंस जाऊँगा अगर पुलिस आ गई। यार शिट, ये वाली जगह सेफ नहीं लग रही, तो हम जल्दी से गाड़ी इधर से निकालनी पड़ेगी मुझे। अभी मैं रिवर्स करके गाड़ी जल्दी से इधर से निकाल लेता हूँ, लेकिन यहाँ से निकलूँगा तो पुलिस की नज़र में आ जाऊँगा। मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ है ना, कोई बिल्डिंग सी ढूंढनी पड़ेगी उसके नीचे की, ताकि मैं हेलीकॉप्टर से भी छुप पाऊँ, और कोई बड़ी बिल्डिंग बनाऊँ पार्किंग लॉट या जैसे वैसे। ये देखो पुलिस की नज़र में आ गई, गाड़ी में देख ली मुझे। अभी कोई पार्किंग लॉट यहाँ होता तो था, मुझे इतना याद है ये सामने, हाँ ये बड़ा वाला जो है ये पार्किंग लॉट ही है, काफ़ी बड़ा। इधर ही अंदर गाड़ी खा लेते हैं अपनी, बस ठुके ना, ये काफ़ी तंग जगह यार, ये ठुक जाएगी गाड़ी फिर ठुकी, लेकिन कोई नहीं गाड़ी वैसे भी रिपेयर होगी यार, ये फिर ठुकी। ये बंदा आ गया, अभी मैं ना यहाँ गाड़ी रोक कर इन बंदों को जल्दी से मार देता हूँ, क्योंकि इनके पीछे अगर ये लोग मेरे पीछे पीछे आते रहे ना तो पुलिस की नज़रों से मैं हट ही नहीं पाऊँगा, जल्दी से मैं मार देता हूँ। शॉर्ट गन मार दी, चलो बचत होगी मेरी। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और जल्दी से ऊपर 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 जाते रहते हैं, ताकि पुलिस की नज़र में ना आए। मेरे ख्याल से ये वाली जगह जो है ये लास्ट जगह है, इसके बाद ऊपर छत आ जाएगी, तो मैं यहीं गाड़ी रोक लेता हूँ यार, कोई पुलिस की गाड़ी ना ही आए। अभी यहीं चुप जाते हैं और
देखते हैं कि कोई गाड़ी ना ही आए ताकि मैं पुलिस लूज कर लूँ, कि छत में मैं चला गया तो मैं हेलीकॉप्टर की नज़र में आ जाऊँगा। तो अभी यहीं थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो फिलहाल मुझे जो है पुलिस की सायरन की आवाज़ आना बंद हो चुकी है, तो मैं अभी ऊपर ही गाड़ी ले जाता हूँ। हेलीकॉप्टर वगैरह भी मेरे ख्याल से यहाँ से तो चले गए, यहाँ की जंप कराने की जगह होगी, यहाँ से मैं जंप करा देता हूँ गाड़ी को रिपेयर तो होने। वैसे बाहर से लग रहा होगा आप लोगों को लेकिन अंदर जो है फील थोड़ा बहुत होता है मूवमेंट, लेकिन ऐसा भी कि गाड़ियाँ बिल्ड ही इस तरह होती हैं कि उन्हें यूँ अंदर वाले बंदे को इतना फील नहीं होता यूँ इतनी बड़ी लैंडिंग से भी यूँ वगैरह। अभी लेस्टर ने मुझे कहा कि गारमेंट फैक्ट्री पहुँचो, वो जो पुरानी फैक्ट्री थी तो जो उसमें सिगरेट, तो जल्दी से गारमेंट फैक्ट्री की तरफ ही चलते हैं। फिलहाल मैं जो हूँ गाड़ी बगाते बगाते पहुँचने वाला हूँ गारमेंट फैक्ट्री की तरफ, तो ये बिल्कुल अभी लेफ्ट साइड पे ही आ चुकी है और लेस्टर ने कहा कि यहाँ एक वो होगा टनल सी होगी उसमें खड़ी कर दो, तो मैं यहीं खड़ी कर देता हूँ। बाकी लेस्टर कह रहे कि मैं देख लूँगा GPS वगैरह कैसे हटाने, वो सब लेस्टर ही काम कर लेगा। अभी लेस्टर से कॉल कर लेता हूँ, मैं उसे कॉल करके बता देता हूँ। तो ओके गाइस, मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहे हैं तो ठीक है यार, बस मैं देख लूँगा गाड़ी को यहाँ से बेशक चले जाऊँ, तो मैं कैब करा देता हूँ उसके घर की तरफ ताकि वो लैंड क्रूजर उधर खड़ी है उसे लेकर वापस गाड़ी चले। क्या बड़ी सी बात हो गई। ओके गाइस, अभी मेरी बात हो गई और ये कैब वाला अभी आता ही होगा, तो यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ ताकि कैब का इंतजार कर लूँ। तो फिलहाल मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना और मैं तुमसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मेरी कैब वाला अभी आ गया हमारा, तो ठीक है यार, मिलेंगे अगली वीडियो में, गुड बाय।